जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। आपका नाम क्या है? अर्चना। आप कहाँ के रहने वाले? कानपुर, यूपी। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पे पहली बार आप कब आए और क्या बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी मांगे थे आपने? पहली बार हम 19 दिसंबर 2022 में आए थे और हमारी अर्जी थी कि हमारे पति के आर्मी छोड़ के कोई अच्छी सर्विस इंस्पेक्टर टाइप कुछ भी लग जाए, एसएससी के थ्रू कहीं भी। आप कभी पूज्य गुरुदेव भगवान से मिले या पूज्य गुरुदेव भगवान ने पर्चा बनाया या क्या आपके साथ बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ने मात्र से ही लाभ हुआ? अभी तक हमारा कभी भी पर्चा नहीं बना और गुरुदेव महाराज से ऐसे ही हमारी मुलाकात एक बार हुई थी चौथी पेशी में। इस बार अभी हम पाँचवीं बार पेशी में आए और अभी तक हमारा कोई पर्चा नहीं बना, केवल ऐसे बालाजी के चरणों से ही हमें सिलेक्शन हमारा मतलब होने के बाद ही गुरुदेव से मुलाकात हो पाई थी। हाँ, जब सिलेक्शन हो गया था तब गुरुदेव से मुलाकात। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर जब आप पहली बार आई थी तो आपने जो भी अर्जी मांगी थी वो सिर्फ चार पेशी में ही आपकी पूर्ण हो, तीन पेशी पूरी हो गई, तीन पेशी में ही पूर्ण हो गई, पर्चा बिना बने, बिना पर्चा। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर आने पर आपसे किसी भी प्रकार का दान दक्षिणा शुल्क या किसी कन्या विवाह के नाम पे किसी भी प्रकार से आपसे मांगा गया हो? कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा गया। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर आने वाले भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम में जितना जल्दी मतलब टाइम बर्बाद न करते हुए जीवन में अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना है या कल्याण करना है, किसी भी प्रकार का मतलब जीवन में कोई समस्या है या नहीं भी समस्या है, अपने जीवन को धन्य करना है, तो बागेश्वर धाम से जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी जुड़ जाए और जुड़ने मात्र से ही मतलब आदमी का जीवन मतलब धन्य हो, आपको महसूस होगा कि मेरा जो है लाइफ ही चेंज हो गया है। कैसे भी आदमी मतलब जिसकी मन्नत हो या ना हो ऐसे ही जुड़ जाए, उसके मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल वो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल उसका जीवन ही चेंज हो गया है। जय सियाराम, जय बागेश्वर। जय सियाराम, जय बागेश्वर।